नमस्कार, महोबा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित तिवारी। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। महोबा में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर 10 दिन से अनशन में बैठे सत्यमेव जयते संगठन के लोगों को जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी ने आश्वासन देकर अनशन से उठवा दिया है। आपको बता दें कि बीते 10 दिनों से शहर के आला चौक में सत्यमेव जयते के बैनर तले जिले में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन चल रहा था। आज जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी अनशन स्थल पहुंचे और अनशनकारियों की बात को शासन में प्राथमिकता के साथ पहुंचाने का आश्वासन देकर अनशन खत्म करा दिया गया है। पे बैठे थे लोग, भाई ये लोग अनशन पे बैठे थे कि मेडिकल कॉलेज महोबा को चाहिए। मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव भी हम लोगों ने भिजवाया है, ये आप लोगों के भी संज्ञान में है, इन लोगों के भी संज्ञान में है, लेकिन कुछ अड़चनों के कारण वो हो नहीं पा रहा था। तो मैंने उसी में इन लोगों से बात की है कि आपको हम उचित फोरम पे भी इसको लेकर के मिलवा देंगे। शासन ने भी इन लोगों की इस अनशन में जो इन्होंने किया है उसका संज्ञान लिया है और सुबह भी मेरे पास ये फ़ोन आया था कि लोगों से मैं बात करूं और इन लोगों को मैं उचित फोरम पे मिलवा दूँ। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में मैंने इन लोगों से बात की है और 20-25 दिन में इन लोगों को हम शासन में उस पर मिलवाएंगे, जहाँ अपनी बात भी रखेंगे। और हम लोगों की भी कोशिश है कि महोबा पिछड़ा ज़िला है, यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं कम हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी संख्या से ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे सुविधा हो जाए तो लोगों की सुविधा हो। या 10 दिन से हम लोग अनशन में बैठे हुए हैं, आज 11वां दिन था क्योंकि मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर बैठे हुए थे 2400 घंटे। आज DM साहब का सुबह फ़ोन आया कि हम अनशन में आ रहे हैं और आपका अनशन खत्म होगा आज से, तो हम लोगों ने कहा ठीक है आते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोगों ने एक शर्त रखी है कि मेडिकल कॉलेज हमें यहाँ बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने वो शर्त मानी है कि 20 से 25 दिन हमसे मांगे हैं और योगी जी से मिलाने का वादा किया है कि आप 10 से 15 दिन में योगी जी से मिलाएंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे।